नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत बिहार में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए 6,245 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 54 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं। बिहार में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 30 परियोजनाओं के माध्यम से 1,754 किलोमीटर सीवर नेटवर्क का निर्माण भी किया जा रहा है, जिनके पूरे होने पर बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट की कुल क्षमता 64 मिलियन लीटर प्रतिदिन से लगभग 10 गुना बढ़कर 632 मिलियन लीटर प्रतिदिन हो जाएगी। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत पटना शहर में संपूर्ण सीवरेज व्यवस्था का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहां 11 सीवरेज परियोजनाओं के माध्यम से 350 मिलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता का सृजन एवं 1140 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना रिवर फ्रंट को लोकार्पित किया गया। आज गंगा जी के इर्द गिर्द बसे गांवों, कस्बों और शहरों में मां गंगा के प्रति दायित्व का बोध अभूतपूर्व स्तर पर है। इस दायित्व बोध ने, कर्तव्य बोध ने मां गंगा की स्वच्छता में नमामि गंगे मिशन में बहुत योगदान दिया है। 2017 में प्रधानमंत्री ने पटना में सीवरेज से जुड़ी 4 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी, जिनमें से बेऊर एसटीपी और करमालीचक एसटीपी का निर्माण निर्धारित समय से पूरा हो गया है। सईदपुर एसटीपी का निर्माण भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में 151 करोड़ की लागत से निर्मित बेऊर एसटीपी और करमालीचक एसटीपी का लोकार्पण कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के किनारे बसे मुजफ्फरपुर में 11 करोड़ की लागत से घाट विकास की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। नमामि गंगे के समग्र प्रयासों से और बिहार वासियों के संकल्प से गंगा अपनी 405 किलोमीटर की बिहार यात्रा में निर्मल और अविरल दोनों हो रही है।